छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दुखद हादसा हो गया। आपको बता दें, गंजपारा निवासी शंकर सोनकर और उनकी बहू मंजू सोनकर की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मंजू सोनकर को कपड़ा सुखाते वक्त तार से पहले करंट लगा। जैसे बहू को करंट से बचाने के लिए ससुर शंकर आए तो वह भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। कौन संभाली मुर्दूटा नाती मुर्दूटा बेटा है, कौन संभाली हो मल्ला? बताएंगे सुबह क्या हुआ बता तो हम उतना देर से कैसे कैसे बताऊंगा, बताए तो हम भैया जो हो एक बार बता तो बेटी बहुआ बेगला सुखो त्री से और सुखो सुखो चिपक गए पूरा परात लगी से फिर मैं पति बला हूँ तो आगे छोड़ा के बेचारा करेटा भारी से मारी से मारत मरत ओकर हाथ मार आगे वो भी हड़बड़ हड़बड़ करी से मैं छाती बांधे बांधे पारा भर चिल्ला बचा बचा के कहावत न मर पति प्राण छूट के मुंह डाल लग गई गजा फेंक दी पूरा वो पारक मंगाई से फिर बिचारी आंख वार वाले कटे से पार सती न। सुबह लगभग 11:30 की घटना है। इनके यहाँ इनकी बहू और पति, इनके यहाँ की बहू कपड़े धो रही थी बोलते हैं, और कपड़े सुखाने गई और करंट था वायर में, जो भी जैसे भी कपड़े सुखाते हैं वहाँ पे, तो करंट में चिपक गई। तो उनके पति आए, मतलब उनके ससुर जी लड़की के, और उनको छुड़ाने के लिए वो के, लेकिन वो भी साथ में चिपक गए। तो उनकी सासू माँ सब पूरे मोहल्ले वाले को बुलाई, मुझे भी पता चला तो मैं यहाँ पे आई और बिजली विभाग में भी फोन की कि तुरंत लाइट को बंद कर दे ताकि करंट और फैले मत। तो उन्होंने लाइट बंद किया, उसके बाद फिर एम्बुलेंस बुला के उनको जिला अस्पताल लेके गया, वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिए दोनों ससुर और बहू को।